और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर में मौजूद, सिविल लाइन से 8 सीएमआर में है सीएम। जन प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम है। विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने की भी कवायद। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने की भी कवायद है। सिविल लाइन्स स्थित 8 सीएमआर में मौजूद हैं सीएम और यहां पर जन प्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम। विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर यहां मंथन होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज जन प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और विधानसभा उपचुनाव जो इस समय कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है प्रदेश सरकार की, तो उसे लेकर भी मंथन होगा, चर्चा होगी। देखिए मनीषा, बिल्कुल, चूंकि उपचुनाव मकसद भी है जीतना, और चूंकि लगातार एक सीट के अलावा बाकी सीटों पर कमल खिलाना पार्टी का लक्ष्य भी है, और ऐसे में आपने देखा होगा टिकटों के वितरण के बाद और हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, और उसी रणनीति के तहत उस उत्साह के दम पर पार्टी चाहती है, सरकार चाहती है कि बेहतर प्रदर्शन चुनाव में किया जाए। 7 चुनाव है मनीषा, ऐसे में इस पर अधिकतर सीटों पर भाजपा जीतना चाहेगी। आज सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर में ही है, और उनकी जो शुरुआत होती है, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, जन सुनवाई के साथ होती है। प्रदेश भर से लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनकी जन सुनवाई होती है। इसके साथ ही आज कुछ सामाजिक संगठनों के लोग उनसे मुलाकात करेंगे। जनप्रतिनिधियों का मिलने का कार्यक्रम है, पार्टी के पदाधिकारियों का मिलने का कार्यक्रम है, और इस दौरान जो मेन फोकस रहेगा वो 7 विधानसभाओं में हो रहे उपचुनाव पर रहेगा। यहाँ की रणनीति को लेकर चर्चा होगी, आने वाले दिनों में और कैसे प्रचार की धार को तेज किया जाए उस पर चर्चा होगी। और चूंकि चुनाव अपने आप में बहुत अहम है, ये जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि राजस्थान का एक लघु चुनाव में इसलिए कहता हूँ, 7 अलग अलग सीटों के समीकरण अलग हैं, जातीय समीकरण अलग हैं, क्षेत्रीय समीकरण अलग हैं, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। ऐसे में यहाँ चुनाव जीतने का मकसद है पार्टी अपने जनाधार को बता पाएगी, और साथ ही जो डबल इंजन की सरकार को लेकर लगातार भजनलाल सरकार कहती है कि हम जनता से जो वायदे किए हैं उनको हम एक एक कर पूरा कर रहे हैं, और मैनिफेस्टो में जो वादा किए हैं उनको पूरा करेंगे, तो ये चुनाव एक तरह से मोहर लगेगा सीएम भजनलाल सरकार की तमाम उन वादों पर, उन घोषणाओं पर जो जनता के हित में कर रहे हैं। जी मनीषा, देखिए समय समय पर ऐसी बैठकें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेते रहते हैं, संगठनात्मक बैठकें जिसमें चर्चा होती है लगातार कैसे मजबूती प्रदान करनी है संगठन को, और अब क्योंकि उपचुनाव का समय, पार्टी लगातार हालांकि कहती है कि खोने को कुछ नहीं है, लेकिन किस तरीके से आने वाले समय में अपना वर्चस्व प्रदेश में कायम रखना है, उसकी कहीं ना कहीं कवायद लगातार जारी है। देखिए, ये कहना कि खोने को कुछ नहीं है, ठीक है, आप संख्या के आधार पर कह सकते हैं मनीषा, क्योंकि आपको केवल 61 सीट है जो पार्टी की थी, बाकी 4 सीटें कांग्रेस की थी और 2 सीटें आरएलपी और एक आरएलपी की और एक बीएपी की थी। लेकिन सवाल ये, क्योंकि आप सरकार में हो, सरकार में हो तो आपको जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, तो आपको ये दिखाना होगा, और चुनाव एकमात्र माध्यम होता है जो दिखाता है कि जनता आपके वादों पर भरोसा कर रही है, जनता आपकी घोषणाओं पर भरोसा कर रही है, और आप इसलिए आपको सरकार में चुन रही है। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है मनीषा, क्योंकि सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकमेंसी का माहौल बन जाता है, लेकिन अभी समय ज्यादा नहीं हुआ, 10 माह हुए हैं, तो ये पहली परीक्षा है सीएम भजनलाल शर्मा की, ये पहली परीक्षा है संगठन के लिहाज से मदन राठौड़ की, तो ऐसे में आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तभी आप कहीं जाकर एक क्लेम कर पाओगे कि हमारी तमाम जनता की घोषणाओं पर या जनहित के फैसलों पर जनता ने मोहर लगाई है। जी मनीषा, लाल सिंह बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर में मौजूद हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम है, विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर मंथन होगा।